राम राम सा, जय श्री राला बाबा की, जय किसान, जय संविधान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर में अपने गांव अटारी गए हैं, जहां पर उनका आत्मीयता से स्वागत सत्कार हुआ है। वहीं भरतपुर और धौलपुर के जाट आरक्षण को लेकर के लंबे समय से आंदोलनरत हैं। कई वर्षों से उनकी ये मांग है, लेकिन पिछले 20 दिनों से वो अनशन पर बैठे हैं और आज 20वां दिन है। 20वें दिन मुख्यमंत्री अटारी में पहुंचे हैं। हालांकि शायद उनकी जाट आरक्षण आंदोलन के डेलीगेशन से तो मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उनका कार्यक्रम अलग था, लेकिन मुख्यमंत्री का गृह ज़िला है और भरतपुर धौलपुर की आर्थिक स्थिति को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो विधानसभा में अपने संबोधन में भी कह चुके हैं कि वो भी एक छोटे किसान हैं और उन्होंने खेत में हल चलाया है। नागौर के पर्वतसर के वीर तेजाजी पशु मेले से उन्होंने बैल भी खरीदे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भरतपुर का जो आर्थिक सिनेरियो वो किस तरीके से है। तो भरतपुर धौलपुर के जाटों को जो आरक्षण की मांग चली आ रही है, उस मांग को यथाशीघ्र आप राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाकर और इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि भरतपुर धौलपुर का जाट वैसे तो वहाँ पर राजघराना रहा, लेकिन वो सैकड़ों बरस पहले रहा, समय बदल गया है और राजघराने में तो कुछ एक लोग होते हैं, बाकी की जो आबादी है उसको बड़ा दंश झेलना पड़ रहा है। तो उसको भी केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी की तर्ज पर ही आरक्षण का प्रोविज़न किया जाए, उनको शामिल किया जाए। और सरकार के समक्ष जो एक बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को बातचीत के माध्यम से समझकर और संवेदनशीलता के साथ में आरक्षण का लाभ उनको दिया जाना चाहिए।